ये जो यहाँ पर एक कल एक लिटमस टेस्ट कह रहे हैं मुस्लिम लीग नून के हल्के, ये कह रहे हैं कि कल जो एक बहुत बड़ा शो करने जा रहे हैं ये यहाँ पे माशाल्लाह लाहौर में, आखिरी शो का 18,000 का शो था, आखिरी शो जो था जब जो ये खुद पावर में थे और सेंटर में इनकी पावर थी और सूबे में भी इनके पास ताकत थी। तो अब आप क्या लगता है चौधरी साहब, इनके पास बलोचिस्तान में भी गवर्नमेंट थी, सिर्फ नहीं थी तो सिंध में नहीं थी या KPK में नहीं थी। अब आपको क्या लगता है कि ये अब जो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का बयानिया है यलगार हो, ये यलगार करने जोगे हैं? ये अपने V8 गाड़ियों से निकल के इस मई जून की गर्मी में पुलिस के डंडे खाने बाहर निकलेंगे, जो ये मारते रहे हैं कभी जाओ लग के कंधों पे बैठ के वर्करों को, पीपल्स पार्टी के और दूसरे जो काम करते रहे हैं, तो इसमें इनमें कोई है मजनू गोश देने वाले या सारे भाग जाने वाले मजनू हैं? क्या लगता है आपको काजी साहब? उन्होंने मरियम जो है इस वक्त की जो इतलात है सारे लाहौर और इर्द गिर्द के इलाकों से कि उन्होंने कहा है डू और डाई, या इस आखिरी मौका है, अगर हम कल ताकत का मुजाहरा नहीं करते और हमारी का जो है कमज़ोरी वो मुश्किल हमारे चेहरों पर कालक बनकर चिमट जाएगी कि ये एक नाकाम सियासी कुव्वत है, मुस्लिम लीग एन जो है बयानियाँ खो बैठी है, इसकी कोई हमायत नहीं और इसके कारकुन और लीडर और अहदेदार जो है तितर बितर हो चुके हैं, तो लिहाजा मरियम नवाज शरीफ ये इतला दे रहा हूँ वो खुद लोगों को टेलीफोन कर रही है, उनसे मुलाकातें कर रही हैं, उनको बुला रही है और हमदा शबाज ने भी मीटिंग की है और कुछ लोगों ने पैसा इकट्ठा किया है कि आपने ट्रकों पर, बसों पर, लॉरियों पर, कारों पर, जीपों पर वहाँ पहुँच रहे हैं और कैंची अमर सदू 7:30 बजे आपने वहाँ ताकत का मुजाहरा करना है, फिर ना कहना खबर ना हुई। ये लगता है एक रियासती इंतजामिया से तसादम का प्रोग्राम है उनका कल। चलें देखते हैं ये भी कल कौन ये सी कोई बारात लेके जा रहे हैं जेल में? नहीं मैं कभी ऐसे हुआ है काजी साहब? मुझे लगता है ये है कि एक बारात मिसाल इस्तेमाल होगा, जेल लेके जा रहे ये